महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवेन्मा आज व्यास पूर्णिमा के निमित्त जब गुरु चाहते हैं कि अपने शिष्य को कुछ दें अपने दिल में रख लें गुरु उतनी भावना और श्रद्धा के साथ गुरुचरणों में नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करें बात यह हुई कि आज के दिन ही महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने नारायण मंत्र गुरु मंत्र दिया था और महर्षि व्यास जी को भी सनातन में उनके पराशर उनके पिता थे उनसे जो उनको गुरु मंत्र प्राप्त हुआ उन्होंने भी गुरु मंत्र जब प्राप्त किया अब सबकी बात ये रही कि मंत्र जब लेने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारा कार्य क्या है हम क्या करें तो सभी को लगा व्यास महर्षि को कहा कि तुम्हें अठारह पुराण लिखना है अट्ठा पुराण लिखना है मुझे ज्ञान ही नहीं मैं पुराण देखा ही नहीं ब्रह्मा को देखाऊ ना विष्णु को देखाऊ ना कृष्ण को देखा हो न किसको देखा, देखा और यही बात वाल्मीकि जी ने भी राम अपने गुरु से कही कि कवित्व तो सही है रामायण लिखूंगा तो मैं रामायण में था तो मैं लिख सकूंगा देखा तो लिख सकूंगा उस समय तो कोई सिनेमा तो पिक्चर तो है ही था नहीं था फिर उन्हें रामायण लिखना तो किस तरह लिखना चाहिए क्या करना चाहिए महर्षि व्यास ने भी कहा कि अट्ठा पुराण लिखूं मैं देखता हूं तो लिख सकता हूं और कुछ फूर्ति हो तो लिख सकता हूँ कुछ ज्ञान हो तो लिख सकता हूँ जब ज्ञान ही नहीं मैं तो रामायण किस तरह रुखूंगा? राम कब पैदा हुए कहां हुए कैसा खेले कैसा बैठे माता के साथ कैसा थे कृष्ण का भागवत हो 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 या ये सारी चीजें कैसे कैसे हैं क्या है इसका ज्ञान कैसे हो मुझे मैं कैसा करूं आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जब यह बात गई महर्षि व्यास हो महर्षि वाल्मीकि हो और कितने भी बड़े हो तब एक विशेष ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा प्रज्ञा ज्ञान ज्ञान जिसे रुचा लिखी जाती है जिसे श्लोक लिखे जाता है जिसे ज्ञान रहस्यमय रूप से गुरु जी वो ज्ञान अपने को देता है पूर्ण आता है और देखे वैसा लिखते हैं और उसमें श्रेष्ठता प्रदान होती है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है ऋतंभरा अन्य ज्ञानानी ऋतंभरा प्राची प्राज्ञा ई रोज व्यासपूर्णिम नाड़ू शिष्य को गुरु ఎందుకంటే రామాయణం రాసేటప్పుడు వాల్మీకి రామాయణాన్ని చూడలేదు రాముడిని రాముడు రోజు చేసిన పని చూస్తున్నారా లేదు కదా ఆయన కానీ రామాయణాన్ని అంత చైతన్యవంతంగా రాయాలి అప్పుడు స్మరణకు రావాలంటే ఏం చేయాలి దాన్ని ఆ రోజు గురువు అయిన నారదుడు రుతంబరా ప్రజ్ఞాగన్ని ఆయనకు ఇచ్చినాడు ఆ ఇచ్చిన జ్ఞానంతోనే ఆయన ఈ

मुझे लगा उनसे भी तपस्वी तो मेरे गृह शिष्य रोज अपने परिवार से जूझते हैं पैसा कमाने के लिए रहने के लिए लड़ने के लिए अगर इनको ये ज्ञान प्रदान करूं तो ये लोग कल के दिन कुछ संसार को बदल सकेंगे संसार को कुछ श्रेष्ठता प्रदान कर सकेंगे और गुरु जी ने यह पत्रिका के माध्यम से यह रहस्य सिद्धि साधना प्रदान की थी आज गुरु पूर्णिमा के दिन वही कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि तुम जहां खड़े हो वहां हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाए प्रश्न हर योगी सिद्धाश्रम का योगी आपके पास आए और आपको ज्ञान प्रदान कर सके आपको जी, आपके जीवन में आने वाले कष्टों के लिए वो सहायता हो अपने को कहते हैं आज भी आपको अगर कहा जाए तो हर होली को मैं वीर साधना संपन्न करता हूं वीर साधना का अर्थ होता है इसलिए वीर हनुमान वीर विक्रमादित्य ऐसा क्यों कहा गया है इसके पीछे उसका रहस्य क्या है कि ये वीर पद उसे आता है जो एक हजार लोगों को अकेला संभाल सके उसे वीर कहा गया है एक अकेला आदमी हजार लोगों को संभाल सके उसे वीर कहा गया है और वो वीर पद को विक्रमा वीर विक्रमादित्य वीर हनुमान या और हम महावीर आदि कहते हैं इस वीर पद को आने के लिए वीर साधना की सिद्धि होना अपने लिए बहुत जरूरी है और वीर सिद्धि साधना कैसी की जाती है इसके पीछे क्या रहस्य है तो हम अगर इस रहस्य को जब तक जानते नहीं जब तक लेते नहीं और इस सिद्धि को इस ज्ञान को प्राप्त करते नहीं हम अपना ज्ञान दूसरों को दे नहीं सकते और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता आज रामायण को कितने लोग कितने चाव के साथ सब पढ़ते हैं कितने श्रेष्ठ और भक्ति के साथ पढ़ते हैं उसमें क्या श्रेष्ठता है दूसरे लोगों ने भी रामायण लिखी कितने लोग उस रामायण को पढ़ रहे हैं तो यह जो रहस्य सिद्धि का ज्ञान है गुरु से प्राप्त होता है आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र के साथ प्राप्त होता है इस यंत्र को लेकर इस साधना को संपन्न करने वाला उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं जो वीर पद कहलाई जाती है जो ज्ञानी ज्ञान योगी कहलाई जाती है और अपने जीवन को विद्या दान देने वाली कहलाई जाती है ऐसी साधना को ऐसे उसका रहस्य समझाने के लिए गुरु रहस्य सिद्धि यंत्र या गुरु रहस्य साधना रहस्य सिद्धि साधना करना अनिवार्य है आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की आज्ञा से अगर आप यह साधना आप उसमें देख सकते हैं गुरु जी ने स्वयं लिखा है कि यह साधना अयरे गैरों को नहीं देना चाहिए जो गुरु मंत्र जब करता है जो गुरु पर विश्वास करता है जो गुरु पर श्रद्धा के साथ नतमस्तक होता है और गुरु पूर्णिमा पर जो आता है उसको यह साधना उसे प्रदान करना करने का लक्ष्य दिया है आज वह श्रेष्ठ सिद्धि साधना मैं आप सभी को प्रदान कर रहा हूं आप पंद्रह मिनट में उस गृहस्थ रहस्य सिद्धि यंत्र को लेकर आ जाओ मैं आपको सीधी साधना दूंगा जिसके पास रुद्राक्ष दिया है वो तो निश्चित रूप से मेरे शिष्य है आप उनको लेना ही है उनको आगे के जीवन में गुरु कार्य करना है वो लोग रहस्य सिद्धि यंत्र लेकर आ जाए